महंगाई की वजह से लोगों का जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है और हुकूमती वजीर नैब की तर्जुमानी में लगे हुए हैं। ये कैसा आजाद इदारा है जिसकी तर्जुमानी इमरान खान की काबीना करती है? वजाहत होनी चाहिए कि हुकूमती वुजरा खुद साख्ता तर्जुमान है या किसी के कहने पर है। पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का हुकूमती वजीरों को जवाबी वार बोले, शहजाद अकबर ने बिलावल के लिए जो बातें की उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब के अपने तर्जुमान वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करते? हुकूमती वुजरा नैब की तर्जुमानी के लिए पेश क्यों रहते? इनको कहां से ये बताया जाता है कि फलाना शख्स उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है? टीवी चैनल्स पर बैठकर पेशन गोइयां करते हैं कौन जेल जाने वाला है और कौन नहीं जेल जाने वाला। क्या इस मुल्क में तो कानून और इंसाफ के तकाजे भी हैं या सिर्फ जिसने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया, हुकूमत के खिलाफ बोले, चाहे सियासतदान हो चाहे आम सिविल सोसाइटी के लोग हो, कि उनकी आवाज को बंद कर दो, उनको जेलों में डाल दो, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बना दो। एक अदालत का ऑर्डर है कि तहकीक करेंगे कि फोन में ये गद्दारी का मुकदमे और दफा दहशतगर्दी की सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ ये किसके कहने पे हुई, उस हद तक ना ले जाइए कि ये सारी गुफ्तगू एक और बयानिए में तब्दील हो जाए और फिर उसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर और फसाद बरपा हो।